रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में बुलाएगी विशेष बैठक, विवादों में घिर गई है। भाजपा के विपक्षी पार्षदों ने बैठक में जनहित के मुद्दों को रखते हुए नहीं रखने के आरोप में यहां पर विशेष सभा का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहर सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है, इसलिए साधारण सम्मेलन की बैठक के बजाय विशेष सम्मेलन बुलाया गया। भाजपा पार्षद दल के नेता पंकज कंकरवाल ने कहा कि पहले बैठक की सूचना दी गई थी लेकिन लॉकडाउन होने से बैठक नहीं हो पाई। नगर पालिका निगम रायगढ़ का विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ था, सभापति महोदय के द्वारा इसको अध्यक्षता की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हमारा जो ऑडिटोरियम है शहर के हृदय स्थल पर स्थित, इसमें यह कार्रवाई हुई पूरी और सफल रहा। कई मुद्दों पे इस पर स्वीकृति मिली, जो कि हमारे जो सफाई के टेंडर्स हैं। आज विशेष सम्मेलन में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और शहर का विकास के लिए बैठक किया गया था। विशेष विषयों के लिए विशेष सम्मेलन बुलाया गया था। विशेष रूप से जो था वो डेंगू है। आज दो दो महामारी से गुजरने का साहस जनता के पास आए और उसके बचाव के लिए ये विशेष सम्मेलन था। इस बैठक में डेंगू और अन्य महामारी के संबंध में चर्चा हुआ और बैठक चल रही है। और मैं तो यहाँ के पार्षद महापौर महोदय सभापति आयुक्त को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि रायगढ़ जैसे शहर को बहुत अच्छे ढंग से साफ सफाई, अन्य जो गंदगी है उससे साफ सफाई कर रहे हैं। आज शहर की सरकार इस बात को जानती है कि पूर्व की जो साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी उसमें विभिन्न बिंदु हैं जिसमें शहर सरकार गिरती दिख रही है। इस बात से अपनी जवाबदेही से डर करके शहर सरकार इस बैठक को साधारण सभा की बैठक के रूप में परिवर्तित कर दी।